सतगुर प्रसाद। महाराज पंजवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी है। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि है मेरे मालक, असी मैले हाँ, तुम उजल पवित्र, तुसी साडे ते दया करो, मेहर करो, जी अपने गुण बख्शो, दया करो, सानू भी ऐसी कोई सिक्ख्या दो जिदे नाल असी भी उज्जल हो जाइए। महाराज पंजवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी बड़ी पवित्र हस्ती सी, मालक नाल मिले चुले सी, पावनों विच देखो दीनता प्यार कितना है, कितना अपने आप नू डाउन कर रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं। हाले वो इन्हें कमजोर नहीं, इतने मैले नहीं, जो कुछ कह रहे हैं कई बार दस्या है कि संत जो कुछ भी कहते हैं वो साढ़े वास्ते कहते, सानू मंगना नहीं आता, सानू कहना नहीं आता, वो सानू तोते की तरह पढ़ाते हैं, जाच दसते हैं कि तुसी भी इस तरह कहो, सानू कुछ कहना नहीं आता। असी ये भी नहीं कह सकते कि असी माड़े हाँ, कमजोर हाँ, जा असी मैले हाँ, ये भी साड़ी जबान विचों नहीं निकलता, ये भी संत महापुरख सानू सिक्ख्या देंदे है, सानू समझाउंदे है, अपना बिच अपने आप नू गिण के और सानू इशारे दें दे। हाँ जी, हम मैं साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सानू कोई अकल नहीं, असी मूर्ख हाँ, तू चतर है, सियाना है, तू समझदार है, तू साडे ते मेहर कर। किनू कह रहे? अपने सतगुर नू कह रहे, अपने आप नू मूर्ख समझ रहे हैं और सतगुर नू चतर सियाने कह रहे हैं, और मूर्ख है नहीं सन। जेड़े असी मूर्ख हाँ, बेसमझ हाँ, असी कदी सोचा ही नहीं है, ना साड़ी जबान चों निकलता है कि असी मूर्ख हाँ, तद ही असी दर दर धक्के खांदे हैं। जे असी अपने आप नूं उन्हां दे अगे पेश करिए कि असी कमजोर हाँ, माड़े हाँ, हो सकता साड़ी कोई रिहाई हो जाए, कोई सानू अच्छी सिक्ख्या मिल जाए, कोई साढ़े तो मेहर करन। संत महापुरख जो कुछ भी बाणी च फरमा रहे साढ़े वास्ते, सानू सिक्ख्या दे रहे, सानू ये समझा रहे कि तुहानू भी जांच आनी चाहिए बोलन की, सानू तो मंगना ही नहीं आता कुछ, सानू कुछ कहना ही नहीं आता, की कही है असी। जिस तरह हजरत बहू साहब ने बाणी च फरमाया है, मान सलामत हर कोई मंगे
इश्क सलामत कोई हो। मंगण मान शर्मावन इश्क दिल नो गैरत होई। भाई असी उस मालक दे नाम नो मंगदे आ शर्माउंदे आ, उस पासे ते साडा रुक नहीं हुंदा। पर जिस मजल ते इश्क पजावे माने खबर ना कोई। भाई जिस मजल ते ईश्वर दा नाम पचाउंदा है उत्थे मान तराण दा कुछ नहीं, कोई वटाउंदा नहीं कुछ भी। पर सानू शर्म आउंदी है इस पासे ते अपने गुनाह दसदे आ, उस मालक ते अगे अपनी कमजोरी दसदे आ, ये सानू शर्म आउंदी। देखो संत महापुरख जिन्हां विच कोई कमजोरी नहीं, हर तरह दे प्रभुर सन, वो फिर भी बाणी च फरमा रहे कि असी मूर्ख हाँ, साडे विच कोई अकल नहीं है। मालक तू चतर है, तू सियाणा है, तू साडे ते दया कर। हाँ जी साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, अपने सतगुरु नूं ही सब कुछ फरमा रहे कि तू ऐसा है, असी ऐसे हैं, असी गुनाहगार हाँ और तू बख्शनहार है। तेरे पास तेरे विच सारे गुण ने, सारिया तारीफां, सारे तेरे विच हर तरह गुण ने, असी कुछ भी नहीं, साडे विच कोई गुण नहीं है। मालक तू साडे ते दया कर। ये महाराज पंजवीं पातशाही अपने सतगुर दे अगे बेनती कर रहे हैं और तुक तुक विच गुरु साहब जी की फरमा रहे हैं कि अपने आप नूं एक बहुत कमजोर समझ के, अपने गुनाह अपनी कमजोरियां दस रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कमजोरी नहीं। वो एक सानू जाच दस रहे है कि तुसी अपनी कमजोरियां पेश करो, तुसी अपने गुनाह जड़े उस मालक दे अगे बेनती करो कि सानू बख्शो, दया करो। लेकिन सानू बोलना ही नहीं आउंदा, सानू मंगना ही नहीं आउंदा, सानू ये जाच ही नहीं आउंदी कि असी अपने मालक दे अगे बेनती करी। हाँ जी माधो हम ऐसे तो ऐसा, माधो हम ऐसे तो ऐसा, तम पाप खंड ठाकर दे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ऐ मालक असी पापी हाँ, तू साडे पापा नूं दूर करन वाला, तू साडे पापा नूं दूर करन वाला, असी पापी हाँ, तू साडे कर्मां नूं दूर करन वाला। एक एक तुक दे विच मुर्शद दी तारीफ कर रहे हैं गुरु साहब जी। सब कुछ होंदिया हुई आप पवित्र सन, मालक नाल मिले जुले सन, फिर भी वो बेनती कर रहे हैं कि ऐ मालक साढ़े ते दया कर, मेहर कर कि असी कर्मा दे मारे। देखो महाराज पंजवीं पातशाही गुरु साहब ने इतनी कमाई कीती है, इतनी कमाई कीती है जिहड़ी के जवान तारीफ नहीं कर सकती। उन्हें वो फिर भी बाणी दे विच की दस रहे, कितनी उन्हां विच निवरता,
प्यार है, मोहब्बत है। हाँ जी, हम पापी खंड गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे मालक, तुमने सारे काम काज किए हैं, तुम्हें सारे साज बाज ये दुनिया बनान वाले सब कुछ ये सृष्टि चलान वाला ही तू है, ये तेरे हुक्म दे विच ही सब कुछ हो रहा है। देखो अपने सतगुरु की कितनी तारीफ कर रहे, उन्हें सब कुछ देखा है, वो देख के तारीफ कर रहे और अपने आप नू एक बहुत कमजोर समझ रहे, यही मंग मंग रहे है कि ए मालिक तू मैनु बख्श, साढ़े ते मेहर कर। हाँ जी, तुम सब साजे साजे निवाजे जियो पिंड दे प्राण, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देव मेहरबान। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि है मालिक असी निर्गुण हाँ, साढ़े विच कोई गुण नहीं, तुसी साढ़े ते मेहर करो, सानू अपने गुण बख्शो, दया करो साढ़े ते, अपने गुण अपनिया तरीफा ये साढ़े ते मेहर करो, तुसी सब कुछ होंदिया होई सारे गुण उन्हां दे विच सन, लेकिन फिर भी अपने आप नू कितना कमजोर समझ रहे। ये सानू जीवन नू समझा रहे हैं संत, असी जेड़े इतने कमजोर गुना दे परे, गुना साडे विच बेशुमार, असी अपने गुना वल कदी देखिया नहीं, कदी अपने गुना दी असी माफी नहीं मंगी, कदी भी असी सोचिया नहीं, असी अपने आप च सच्चे ही बने रहिंदे हैं, पवित्र बने रहिंदे हैं। जिहड़े पवित्र सी जिन्हां दे विच लखां गुण ने, वो अपने आप नू की कह रहे, की बाणी दे विच समझा रहे हैं सन, अपने आप नू विच गिण के सानू समझा रहे हैं। ये सारे इशारे जो बाणी च दे रहे है, वो सानू मूर्ख जीवां नू समझा रहे है कि तुसी भी उस मालिक अगे बेनती करो, तुसी भी फरियाद करो, तुसी भी अपने गुनाह माफ कराओ, उस मालिक पासों बख्शिश मंगो। हाँ जी, निर्गुण सुन नहीं को कोई दान नहीं मंगया, उन्हें कोई मान बढ़ाई नहीं मंगी, परिवार नहीं मंगया, कोई दुनिया की माया नहीं मंगी, कोई दान नहीं मंगया, सिर्फ उन्हें एक उन्हें दया का दान मंगया। तुसी है मालिक साढ़े ते दया करो, मेहर करो, ये दान सानू दो, असी दुनिया के विच जीव कोई माया मंगता है, कोई परिवार मंगता है, कोई मान वड्याई उस परमात्मा दे पासों दान मंगता है, पर संत की दान मंगते है, वो उन्हां दी दया मंगते है। ए मालक तुसी साढ़े ते दया करो, मेहर करो, ये दान दियो सन। हाँ जी, निर्गुण निर्गुण नहीं ओ
साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, तुम भला कर रहे हो लेकिन हम तुम्हारी दया जड़ी है, तुम साढ़े ते जड़ी मेहर कर रहे हो है मालक, असी वो मान नहीं रहे, असी उस दया नु समझ नहीं रहे। तुसी साढ़े ते दया कर दे हो, हमेशा ही दया कर रहे हो, ये नहीं कि एक दिन कर रहे हो, तुसी छिण छिण साढ़े ते दया कर रहे हो लेकिन सानू समझ नहीं, तुहाडी दया दी भी सानू समझ नहीं आ रही। देखो गुरु साहब जी कितने प्यार दे नाल फरमा रहे है, उस मालिक दे अगे बेनती कर रहे है। हाँ जी, तुम करो पालो जान, तुम सदा सदा दयाल, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाल। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तू दाता है, तू हमेशा सुख दे रहे है मालक, तू साढ़े ते दया कर। जिस तरह एक माँ प्यो अपने बच्चे की मदद करते है, उस बच्चे की संभाल करते है, हर वक्त छिन छिन उहदे वल देखते है, इस तरह है मालक असी तेरे बच्चे हाँ, तू साढ़े ते दया कर, तू साड़ी संभाल कर। ये महाराज पंजवीं पातशाही हर तुक दे विच गुरु दे पासों दया मंग रहे, और सब कुछ होंदिया होए भी अपने आप नूं कितना कमजोर समझ रहे, कितना दीनता और गरीबी नाल फरमा रहे है, ऐ मालक तू दया कर। हाँ जी, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाल, तुम निदान अटल सुल्तान, जिया जंत सब जाचे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ऐ मालक तुसी उच्चे तू उच्चे, बड़े तू बड़े, तुसी एक पातशाह हो, तुसी बहुत उच्चे हो, ये जीव सब तेरे, ये सब जीव तेरी शरण विच ने, तेरे ने तेरी बनत बनाई है, तू सारिया ते दया कर, तू मेहर कर सारिया ते। कुमार पंजवीं पातशाही अपने सतगुर के पासों मेहर मंग रहे। हाँ जी, तुम निदान अटल सुल्तान, जिया जंत सब जाचे, कौन नानक संतन के पाचे। गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे है कि ऐ मालक असी तेरे पासों ही मंग मंगदे हैं कि सानू संतां महापुरखां दी शरण विच रख, असी होर कोई मंग नहीं मंगदे, असी यही मंग मंगदे हैं कि सानू महापुरखां दी शरण दे विच रख, उहनां दी संगत विच रख, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਮੈਂ
संतन के पाजे, हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरण। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरण। और कुछ नहीं मंगया, सिर्फ संतां दी शरण मंगी। जिस तरह महाराज चौथी पातशाह ने बाणी च फरमाया, रामा हम दासन दास करी जी। उन्हें अपने सतगुर के पासों यही मंगया, ऐ राम मैनू अपने दासां दे दास बना दे, अपने प्यारियां दे नाल मेरा प्यार लगा दे, मैं होर कुछ नहीं मंगदा। गुरु साहब जी पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने सतगुर के पासों की मंग रहे हैं कि सानू संतां दी शरण विच रख, महापुरखां दी शरण बख्श, ते होर सानू कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरण, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गण। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, संत हमारी ओट और संत ही हमारा गण है। उन्हें होर कोई दुनिया की दौलत नहीं मंगी, कोई दुनिया की मान बड़ियाई नहीं मंगी, सिर्फ एक महापुरखों की संगत मंगी, जिसनों एक बहुत उच्चा मरावता दिता है कि यही साडा गहना है, यही साडी ओट है, और कुछ नहीं सानू चाहिए। उन्हें दूसरे गहने दुनिया के नहीं मंगे, उन्हें ये सच्चा गहना मंगे कि जिसने सानू इत्थे और उत्थे काम देना है, इस दुनिया विच भी काम देता है और दरगाह विच भी। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी, संत हमारी सतानी, संत हमारा गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, पूर्व लिखिया, पूर्व लिखिया किसनू कहा जाता, जो असी कर रहे हैं ये साडे पूर्व बन जाने हैं, यही साडे कर्म बन जाने, ये साडे पिछले कर्म बन जाने, पिछे जो किया अगे आ गया। ये भी भाई कोई पूर्व लिखिया होवे, कर्म किया होवे तो संतां महापुरखां की संगत मिलती है और जीव नूं अतबार आउंदा है उन्हां दे निकट आउण दा, उन्हां दे बचना ते चलण दा अतबार आउंदा है, नहीं तां नहीं आउंदा। ये भी कर्मां दी बात है। हाँ जी, हम संतन सोमण आई, पूरब लिखिया पाई, एव मन तेरा पाई, एव मन तेरा पाई। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, मन ये संत ही तेरी ओट, तेरा गहना, तेरा सब कुछ है, और कुछ नहीं आएगा। जो संतां दी संगत विच्चों मिलता है वो सानू किसी सभा सोसाइटी चो नहीं मिलता। अच्छी मत, अच्छी सिक्ख्या सानू जिहड़ी मिलनी है वो साध संगत विच्चों ही मिलती। सियाणियां दी मसाल है कि भिख्या ते हर बंदा पाउंदा है लेकिन सिक्ख्या नहीं देंदा,
सिख्या नहीं मिलती। सिख्या इसकी बहुत बड़ी जायदाद है, जिस तरह अगे भी कई बार दसिया है कि गोपी चंद राजा जद योगी होया, गोपी चंद के गुरु ने सोचा कि ये राजा इहदे विच मान वड्याई है, इसकी मान वड्याई भी खत्म करिए। मान वड्याई भी जीव नू लैके बह जाती है, ये भी नहीं छड़ती, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। जा राजा अपने शहर विच मंग के लिया, ये हुक्म लाया कि मंग के लिया, जिस शहर विच राज कीता होवे उत्थे मंगना बहुत औखा है, पर मुर्शिद का हुक्म मनना पिया। शहर भी चला गया, जिसने रुपया देना उसने दो दिते, जिन्हें दो देने उन्हें चार दिते, कि राजा मंगन आया। अपनी राणिया के महली गए, उन्होंने हार शिंगार छुट दिते ला के कि साडा राजा मंगन वास्ते आया। वो तन माल जड़ा सी पिछे जोगियां नू देंदा गया, जोगी डेरे पहुँचाते गए। जदों अपने माता दे महली गया, माता ने सोचा कि जे इसनू मैं माया दिती वो खादी जानी है, कोई फायदा नहीं होना, इनू कोई सिक्ख्या दे दईए। माता ने कहा, जोगी असी गृहस्थी हाँ, तुसी त्यागी हो, तुसी साडे ग्रह मंगण आयो, ये साडी मर्जी है, जो मर्जी असी तुहानू दईए। कहन लगा, जी ठीक है, जो तुहाडी मर्जी दो। जोगी एक ते नरम बछाने पर सौना, एक नरम तू नरम खाना खाना, एक मजबूत किले च रहना। गोपी चंद ने कहा, माता है तू मेरी माता है, मैं तेनू की कमा, कोई होर होंदा उसनु मैं जवाब देंदा। माता बहिया संगियां रोटियां असीं खाने, सानू नरम बछाने नरम खाने कितने, कखा काना ते असीं सौंदे हां, साडे वास्ते नरम बछाने कितने, जंगलां विच असीं रहना, साडे वास्ते किले कितने ने। माता ने कहा, जोगी मेरी गल दी समझ नहीं तैनू आई, भजन करी अति अंत जदों तैनू नींद सताएगी ना, तू कखा काना ते डिग पाएगा, तैनू इन्ना स्वाद आएगा नींद दा, इन्हां रेशमी बिछाने ते भी नहीं आई। जोगी मुर्शद दे बचन विच रही, मुर्शद दे बचन विच रही, बचन तो बाहर ना होई, वो किला है सतगुर का, जिहड़ा बचन है वह किला है सिख वास्ते। उस किले के अंदर रहे, बचन के अंदर रहे तो फिर इनू कुछ नहीं हो सकता, पर जदों बचन तो बाहर होएगा फिर सब कुछ सारे इसनों लागू हो जाते हैं, चोर चक्के। ये तुसी जानते हो कि सीता ने सिर्फ वो जड़ी कार सी, जिन्हों क्या इस कार नू सीता टप्पी ना, सिर्फ एक अंगूठ लंघाया पैर दा, ते मन रावण नू सारी नू चुक के लै गया, फिर की हालत होई, कितने सूरबीर खत्म होए, राजपाट लुटे गए, मारे गए, कुला मारियां गई, आप तके खाना पे जंगलों के बीच, की हाल होया। इस वास्ते मुर्शिद की जिहड़ी सिख्या है वो साढ़े वास्ते किला है, उस तो बाहर होवांगे तो सानू जरूर मार पाएगी, अगर उस किले के अंदर होवांगे तो कोई किले के अंदर जा नहीं सकता, कुछ नहीं इस जीव नू हो सकता। हाँ जी, ये मन तेरा भाई, ये मन तेरा भाई, सन
संतन क्यों मेरी लेवा देवी संतन क्यों ब्यों। गुरु साहब जी हुन प्यार दे नाल फरमा रहे है कि मेरी लेवा देवी संतना दे नाल ही होगी, मेरा कार बिहार जेड़ा है ये संतान नाल हो गया, मेरा हुन दुनिया नालों कार बिहार जेड़ा मुक गया। जिस तरह कबीर साहब नूं फरमाया, कबीर साहब की माता ने तनना बुनना छड़िया कबीरा, हर का नाम बसा लिया शरीरा। ऐ कबीर तू दुनिया का तनना बुनना छड़ दिता और हर का नाम जेड़ा वो शरीर च बसा लिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मेरा लेना देना जेड़ा हुण संतां नाल हो गया, मेरा कार बिहार जेड़ा है वो संतां दे नाल ही हो गया, मेरा दुनिया दे नालों कार बिहार टुट गया, लेना देना मुक गया है। हाँ जी संतन सो मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्यों संतन स्यों हमला खटे हर भगत परे पंडार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि असी जे ला खटिया है ते संतां दी संगत ना, संतां दे नाल मिलके सानू ला मिलिया है और साडे भंडार भरे गए। ला की खटिया संतां दे नालों, ओ ईश्वर दी भगती कीती, ईश्वर दा नाम जपिया, वो अंदर भंडार भरे गए, सब दुख दूर हो गए, चौरासी के चक्कर खत्म हो गए, अपने मालिक नाल मिल गए। ये ला खटिया संतां महापुरखां दी संगत, ये ला जड़ा है किते होर संगत तो नहीं मिल सकता। ये ला जद भी मिलेगा ये महापुरखां दी संगत चो मिलेगा, और किसे संगत चो नहीं मिल सकता। हाँ संतन सो हटे हर भगत परे पंडार, संतन मोको पूंजी सौंपी ता उतरिया मन का तो। संतां महापुरखां ने जद इहनूं सब कुछ दस दिता तो मन का धोखा ही मुक गया, ये मन की चिंता मुक गई, मन के फुरने मुक गए। उस संतां ने कुंजी सौंप दिती खजाने की, जदों जिसनों भाई खजाने की चाबी मिल जाए उसनों चिंता कदी रही। ऐ जीव नूं संतां की संगत करके ओ अंदर दी चाबी मिल गई, शब्द प्रगट हो गया, सब कुछ मालूम हो गया, इहदे घर परभूर हो गया, कोई चिंता नहीं रही, कोई संसा नहीं रहा। हाँ जी संतन मोको पूंजी सौंपी तो तेरा मन का तो गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि धर्मराज की करेगा, जाय साडा लेखा ही नहीं रहा कोई, ते धर्मराज की साडा लेखा लेगा, धर्मराज लेखा उसका लेगा जिसका लेखा बनिया लिखा गया, बहियां बन गई, वो धर्मराज जरूर पुछगिछ करेगा बार्डर के उ। जिसका कोई लेखा नहीं
उसनू धर्म राज की करेगा। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे कि जिसका लेखा ही नहीं उन्होंने धर्मराज ने की करना है। हाँ जी धर्मराज करेगो जो पाठ सगलो ले गुरु साहब जी हम तारीफ कर रहे हैं अपने सतगुर जी के सानू हूँ बहुत ही आनंद और खुशी मिली है। ते किस तरह मिली है संतन के प्रसाद उन्हां दी मौज नाल संतां दी संगत नाल सानू अंदर खुशी मिल गई है और आनंद मिल गया है। हुण असीं हमेशा ही उस खुशी नूं मानदे हां। सानू कोई दुख नहीं रहा संतां दी संगत करके उन्हां दी मौज नाल साढ़े ते बड़ी कृपा होई दया होई सानू खुशियां मिल गई हैं। हाँ जी माया साहब जी शब्द समापन करते हुए बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कहो नानक हर मन मने। जब तक मन मनदा नहीं सानू कुछ मिलता नहीं। जो मन ने मनिया पूरा तबार मुरशद ते आउंदा है ते मुरशद सब कुछ बख्श देंदा है सारियां कमियां इस दियां पूरियां कर देंदा है। जब तक मन नहीं मनदा बाणी विच हजरत बहु साहब भी फरमाया है मके गया गल मुकदी नहीं जब तक दिलों ना मकाई तुम्हें मिठे नहीं होंदे तोड़ तोड़ मके लै जाइए तुम्हें ना कदी मिठे नहीं होना कौड़े खूह जड़े कदी हो खारे पानी ना वह कदे मिठे नहीं हो सकते सैकड़े मन वे खंड पा दी। कावां दे बच्चे हंस नहीं बन सकते चाहे मोतियां दी चोग चगाई। जब तक साडा मन मनदा नहीं अंदरों साडा प्यार नहीं आउंदा इन्ने चिर सानू मुरशद पासों मिलदा कुछ। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे मन ने मनिया मुरशद ने भरपूर कर दिता सब कुछ बख्श दिता। हाँ जी को नानक सो मन माने रंग रते बेसमान।